subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. शुक्रगुजार आप लोग बड़े छोटे नोटिस पे अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाल के सारे आए, तो मैं आप सबका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, ये हमारे जो साथी सोहेल खान, उनका जो मर्डर हुआ था, ये उसके बारे में मोरखा 16 अक्टूबर को थाना हतार की हदूद में साथी सोहेल और उनकी कत्ल की दावेदारी जो थी, वो उनके वालिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। उन्होंने हुमायूं इकबाल और अली शेर पर की FIR के इंदराज के फौरन बाद, जैसे कि मेरी आप सबसे पहले भी बात हुई थी कि हमने मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए 4 स्पेशल टीमें तश्कील दी, जिसमें हमारी एक इंफॉर्मेशन टीम थी किया गया, साथ ही साथ तमाम इंटेलिजेंस एजेंसी से, मिलिट्री भी, सिविल भी, फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी CTD, इन सब से जो है वो हमने रابطہ किया और इनसे रابطہ हमारा मुस्तकिल बुनियादों पे इस दौरान चलता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह कल मोरखा 23 अक्टूबर को इस कत्ल के मेन मुलजम हुमायूं इकबाल को चमन बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया गया और उसको कानूनी जाब्ते पूरे करने के बाद हरिपुर में शिफ्ट किया जा रहा है। इसकी गिरफ्तारी में मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि तमाम जो पुलिस एहलकार थे, उन्होंने बहुत अनथक मेहनत की और इसका ताल्लुक पंजाब में, अंदरून सिंध में, कराची में, क्वेटा में और फिर चमन तक इसके ताकुब में हमारी टीमें जो थी वो लगी रही और अल्लाह ताला ने इस पे जो है हमें कामयाबी दी कि इसको हमने चमन से जो है वो गिरफ्तार कर दिया। मैं बड़ा मशकूर हूँ इस सारे अमल में पंजाब पुलिस का, सिंध पुलिस का, बलूचिस्तान पुलिस का, तमाम मिलिट्री और सिविल इंटेलिजेंस एजेंसीज का, CTD का, इमदादियाने पुलिस का और सबसे बढ़ के आखिर में आप तमाम साफी बरादरी का, कि हर मामले पे हमारे साथ आपने तावन किया और इसी के नतीजे में हमें ये जो है वो कामयाबी नसीब हुई। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी शेयर किया है, एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ऑलरेडी बना दी गई हुई है और उस टीम में हमने साफी बरादरी के जो नुमाइंदगान हैं उनको भी शामिल किया है हमारी मसालती कमेटी के चेयरमैन के साथ साथ, ताकि तफ्तीश शफाफ हो, सबके सामने हो और जो लोग भी इस सारे इस कभी फेल में इन्वॉल्व हैं वो सामने आए और उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। इंशाल्लाह ये एक बड़ी कामयाबी है इस केस में। इंशाल्लाह हम फर्दर इस पर मजीद मेहनत करेंगे और तमाम लोग जो इसमें शामिल हैं ना सिर्फ वो गिरफ्तार भी होंगे बल्कि अल्लाह ताला की मदद से इंशाल्लाह उनको कैफरे किरदार तक भी पहुंचाया जाएगा। मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार।